तो दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है और आज है जन्माष्टमी, तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है आज। और आज मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं अभी तक 3 ज्योतिर्लिंग घूम चुका हूँ। काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है एंड दूसरा देवघर में बाबा बैद्यनाथ का, और आज मैं आया हूँ श्री शैलम मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए। सो मेरा ऑलमोस्ट 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाएगा एंड इसके बाद देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाएगी। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वैसे आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है दोस्तों, बिकॉज आज मैं आया हूँ तेलंगाना के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है श्रीशैलम। और श्रीशैलम एक पर्वत है जो कि साउथ का कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मेरे दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भोलेनाथ का नाम है। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे और भी बहुत घूमने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि साक्षी गणेश और पाताल गंगा है और श्रीशैलम डैम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे खूबसूरत जगह भी है। सो वन बाई वन मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करूँगा वीडियो को पूरा। वांट टू गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपको यहाँ पे आना कैसे है और कैसे आना है और कहाँ स्टे करना है, कब दर्शन करना है। सुना है मैंने नॉर्मल दर्शन करने में 5 से 6 घंटा लग जाता है, और आपके पास टिकट है तो आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर में दर्शन कर सकते हो। तो आज बहुत ज़्यादा क्राउड है बिकॉज आज जन्माष्टमी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो मैं जा रहा हूँ फटाफट दर्शन करने के लिए और फ़ोन मुझे सबमिट करना होगा बिकॉज यहाँ फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। दर्शन करके आते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरा मंदिर
वैसे यहाँ पे साक्षी गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे अगर आप नहीं जाते हो दर्शन करने देन आपका पूजा वेस्ट जाएगा, बिकॉज वहाँ आपको जाके हाजिरी देना ही पड़ेगा गणेश भगवान को। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप भी आओ यहाँ पे दर्शन करो, फैमिली को लेके आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर दर्शन करने के लिए, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में क्योंकि आज है जन्माष्टमी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा, भगवान श्री कृष्ण का आज ही जन्म हुआ था और सावन का महीना भी चल रहा है तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होगा। और दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे साक्षी गणेश, सो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आइडिया मिलेगा आपको। आप भी कभी आ रहे हो यहाँ पे तो आप मेरे वीडियो पूरा देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। फाइनली मैं दर्शन कर चुका हूँ, 5 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरा दर्शन हो चुका है और दर्शन मात्र 10 सेकंड का था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज बिकॉज आज जन्माष्टमी है और सावन का महीना भी चल रहा। अभी मैं हूँ मंदिर के पीछे बिकॉज यहाँ थोड़ा शांति है, वरना बहुत ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत पब्लिक आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ये मेरा तीसरा ज्योतिषलिंग है, मल्लिकार्जुन मेरा तीसरा ज्योतिषलिंग हुआ और यहाँ दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा मंदिर घूमने, यहाँ आजू बाजू बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। सो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो एक बार टाइम निकालो और वीडियो को पूरा देखना, कैसे आना है मैं वीडियो में सब कुछ बता दूँगा। तो दोस्तों ये है साक्षी गणेश जी का मंदिर जो कि मल्लिकार्जुन टेंपल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये है क्या भैया? कंदमूल नलपुर पल ना। सो गाइज दिस इज द पाताल गंगा, अब हम लोग जा रहे हैं पाताल गंगा। सो गाइस पाताल गंगा के लिए सीढ़ी तो अभी भी देखो इतना सीढ़ी चढ़ना है, बहुत थक गया, उतरने में बहुत ईजी था, चढ़ने में हालत खराब हो रहा मेरा। ठीक है चढ़ जाऊंगा धीरे धीरे, अभी भी बहुत सीढ़ी बचा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा। अभी चढ़ने में हालत खराब हो रहा, उतरने में बहुत मजा आ रहा था
अभी जब चढ़ रहा हूँ ना तब पता चल रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब जा रहा हूँ रूम रेस्ट करूँगा, फिर निकलेंगे कहीं पर। कभी भी आ रहे हो तो सैटरडे संडे मत आना, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको दो टाइप का एकोमोडेशन मिलेगा, एक प्राइवेट जो कि होटल्स है जिसका रेट करीबन 2500 से 2000 2500 या 3000 तक का रेट मिलेगा पर डे के हिसाब से, और दूसरा सदन है। सदन में थोड़ा सस्ता मिलता है, 600-700 नॉन एसी और 1000 रुपये में एसी वाली मिल जाती है। बट आप जब भी यहाँ पे श्रीशैलम आ रहे हो पहले से अपना होटल बुक करके आना, क्योंकि सडनली आप यहाँ पे आओगे तो सारा कुछ सोल्ड आउट रहता है, मिलना मुश्किल है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेंगे रूम के लिए। दूसरी चीज, अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो आप MGBS बस स्टैंड, जो कि हैदराबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, वहाँ से आपको मॉर्निंग 4 बजे से बहुत सारे बस हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं, और टिकट का जो खर्चा है पर पर्सन 520 रुपये है नॉन एसी की, और एसी की है आपकी 650 रुपये। तो मैंने जो बस पकड़ा था वो सुबह 7 बजे पकड़ा था और यहाँ करीबन 12:30 बजे तक आ गया था, और मेरा जो बस का खर्चा था वो 540 रुपये था पर पर्सन के हिसाब से। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैंने होटल बुक नहीं किया था। तो मैंने प्राइवेट होटल लिया जिसका पर डे के हिसाब से 2000 से 2500 रुपया। तो आप आते हो यहाँ पे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे आते हो तो ऑटो बुक करना, ऑटो का लाइक अगर शेयरिंग में आप ले रहे हो तो पर पर्सन 150 रुपीस है, और अगर आप फुल ऑटो करोगे तो 800 रुपये में आपको करीबन 5 से 6 जगह वो लोग सारे कुछ घुमा देंगे, जो जो मेन पॉइंट है वो जगह आपको रोक करके आपको सारे चीज़ गाइड करके आपको घुमा सकते हैं। तो अगर आप श्रीशैलम आते हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना, बहुत ईजी होगा आपको यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आई होप कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो जो मैंने बोला उन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे ये इन चीज़ों का मतलब एक्सपीरियंस मिला। इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। Thank you.